अगर आपसे कहा जाए कि आप इस पानी को पी भी रहे हैं और दूसरे काम में भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भरोसा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सच है, जब मुंबई से सटे एक हाउसिंग सोसाइटी के एक फ्लैट की पानी टंकी को प्लम्बर ने साफ करना शुरू किया तो टंकी से इस तरह का पानी निकला। क्योंकि हम सीधे टंकी से पानी नहीं निकालते हैं, टंकी से नल के जरिए पानी हम तक पहुंचता है, इसलिए टंकी का पानी कैसा है ये हमें पता नहीं चल पाता है। हम उस पानी टंकी की बात कर रहे हैं जिसमें स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिका द्वारा सप्लाई किए जाने वाला पानी हाउसिंग सोसाइटी की अंडरग्राउंड और ओवरहेड टंकी से होते हुए सोसाइटी के फ्लैट में लगी टंकी में आता है। तो जिस पानी को हाथ लगाने से भी हम हिचकते हैं, उस पानी को हमें मजबूरन पीना पड़ता है। अगर आपके घर में भी टंकी है तो पानी संभल कर पिएं, साफ सुथरा करके पिएं और रेगुलर टंकी की सफाई करवाते रहें। तो रंगारंग इंडिया में आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।